अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ चीज़ों को, बाज़ दिनों को, बाज़ वक्तों को, बाज़ महीनों को अपनी रहमत से फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला के उन मखसूस दिनों को फजीलत अता करने में हम गुनाहगारों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जब कुछ चीज़ें फजीलत माब हो जाती हैं, उनकी अजमत बढ़ जाती है, तो अल्लाह के बंदों को कम वक्त में ज़्यादा नफ़ा कमाने का मौका नसीब आता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी रहमत से दी हैं कि जिनमें अमल थोड़ा है, अजर ज़्यादा है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान थोड़े वक्त में, थोड़े टाइम में, थोड़ी मसरूफियत में अपने रब करीम के बारगाह से ज़्यादा अजर का मुस्तहिक हो जाता है। इन्हीं मुकद्दस मोतबर माना खेज़ अय्याम में एक बड़ी फजीलत, ज़्यादा अजमत वाला महीना माह रमज़ान अल मुबारक है। कुरान मजीद ने सराहत के साथ इस माह मुकद्दस का नाम लिया है। क्या माना है? ये वो मुकद्दस महीना है जिसका मेरे रब करीम ने नाम लिया है, अल्लाह ने नाम लिया है। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इस माह नूर, माह सुरूर का नाम नामी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन था, अगले दिन रमज़ान शुरू होने वाला था कि रसूल पाक अलैहि सलाम ने हमें रमज़ान की फजीलत पर खुतबा इरशाद फरमाया। आप इस बात को गौर से समझिए कि ऐसा मेहमान जिसके आने से पहले उसकी फजीलत बयान की जा रही है, और फजीलत कौन बयान कर रहा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ हमारे दिलों के अंदर, उम्मत के दिलों के अंदर इस माह मुकद्दस की फजीलत को और इसकी अजमत को बिठाने के लिए कि पूरी तरह तुम अपने जहन में और अपने दिल में एक बात बिठाओ कि एक अजमतों वाला महीना तुम पर साया फिगन होने वाला है, अजमतों वाला। हुजूर ने एक दिन कबल उसकी फजीलत बयान, हमारे यहाँ ये होता है कि हम किसी चीज़ की अहमियत को लेते हैं लेकिन समझते हैं कि ये कोई रूटीन वर्क है, यानी नॉर्मली हर साल रमज़ान शरीफ आता है, अपने वक्त के हिसाब से चांद बदलता है और अपने वक्त पर रमज़ान शरीफ आ जाता है। हम समझते हैं कि मतलब रूटीन का एक मामला है, एक रूटीन की चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे ना कि इस महीने के आने से पहले, यानी अभी एक दिन बाद आना है रमज़ान को, और आने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि नबी पाक ने हमें बाकायदा बुला के खुतबा दे के रमज़ान की अज़मत हमारे दिलों में बिठाई, यानी फ़िक्री तौर पर और ज़हनी तौर पर उम्मत को तैयार किया। फरमाया तुम पर एक ऐसा महीना साया फिगन होने वाला है जो मुबारक है तुम्हारे लिए, बाईस बरकत है तुम्हारे लिए। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करो कि एक माह नूर तुम्हारे करीब आ रहा है, जो रमज़ान इस्लामी इबादत जितनी भी है ना, वो मखसूस पूजा पाठ नहीं। इस्लामी इबादत में से कोई इबादत भी ऐसी नहीं जिसका मकसद ही हो कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक फला अमल करना है। जितनी भी इबादत हैं इस्लामी, वो अपने दामन में कोई नतीजा रखती हैं, कोई रिज़ल्ट रखती हैं, उसके समरात इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं, इंसान को तज़किया नसीब होता है, उसके बातन को सफाई नसीब होती है, उसे खैर करने का मौका मिलता है, तरबियत के बहुत सारे मौाक़े उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे इसरार व रुमूज़ के साथ इस्लामी इबादत हैं।
ये जो रमज़ान मुबारक है ना, ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा अपने दामन के अंदर तरबियत रखता है, तरबियत। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़ा तुम्हें परहेजगार बनाएगा, तुम्हारे अंदर से जो नफसानी चीज़ें होंगी उन्हें निकालेगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम्हारे दिल का रुझान होगा, तुम्हारी रूह का रुझान होगा, तुम्हें तज़किया देगा। रोज़ा इंसान की तरबियत करता है, इंसान को रोज़ा ज़हनी तौर पर तैयार करता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पीना है। सबसे बड़ा मसला इस दौर का रिज़्क़ के हलाल का हुसूल है और हराम से इज्तनाब है। तो रोज़ा हमें ये सबक पढ़ाता है कि हम वही खाएंगे और उसी वक्त खाएंगे जो खाने का हमें हमारे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है, और जिससे अल्लाह रसूल मना कर देंगे, जितनी मर्ज़ी चमक दमक अपने दामन में रखे, जितनी मर्ज़ी, लेकिन हम वही लेंगे जो हमारे लिए जायज़ है। आप गौर फरमाइए, रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा तुम्हें परहेजगार करता है। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि आदतें नहीं बदली जाती यार, कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी आदत नहीं तब्दील होती। मैं आपको एक राय देने लगा हूँ, मशवरा देने लगा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि मौका आया है रमज़ान शरीफ का। रमज़ान में ना बंदा रूटीन में अपनी आदतें बदलता है। किसी को सवेरे 7 बजे खाने की आदत है, किसी को 9 बजे खाने की आदत है, कोई सुबह नाश्ता नहीं करता, दोपहर में ही खाता है, लेकिन रमज़ान आया तो आदत बदल गई। 7 बजे वाला भी नहीं खा रहा, 9 बजे वाला भी नहीं खा रहा, दोपहर वाला भी नहीं खा रहा, सारे सहरी में खा रहे हैं। आदत बदल गई, बिल्कुल तबीयत बदल गई, रूटीन चेंज हो गई। कोई उठ रहा था सुबह फजर में, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमज़ान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं, तहज्जुद के वक़्त सब की आँख खोल रही है, बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है, एक महीना है पूरा, 2-3 दिन 4 दिन आपकी रूटीन बिगड़ जाए ना सोने की, यानी रूटीन से हट के आप सोना जागना शुरू कर दें, तो फिर वही रूटीन बन जाती है, फिर उसी तरतीब से इंसान सारे काम करता है। तो रमज़ान में रूटीन चेंज होगी, सारे तहज्जुद में और सहरी में उठेंगे, तो अल्लाह करे ना ये रूटीन कायम रहे। रमज़ान में तो उठते थे सहरी करने के लिए, तो अल्लाह करे रूटीन बन जाए और सारा साल उठें तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए, अल्लाह करे रूटीन बन जाए, चीज़ें तब्दील हो जाएं। वो लोग जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि दवाई भी खानी है और परहेज़ भी करना है, तो वो कह रहे थे जी दवाई खाना तो आसान है, परहेज़ करना मुश्किल है। तो बदलन लगी है ना रूटीन, आ गया ना रमज़ान, परहेज़ का टाइम शुरू हो गया, लिहाजा बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान में परहेज़ होगी, डाइट प्लान बिल्कुल बनाया जा सकता है, उसमें चीज़ों को बिल्कुल मुरतब किया जा सकता है। तो रमज़ान शरीफ के आने से पहले ज़हनी तौर पर अपनी आदात की तब्दीली का प्रोग्राम बनाएं, आदतें बदल जाया करती हैं। रसूल करीम दुनिया में आए, वयुज़क्कीकुम, हुज़ूर तज़किया करने तो आए हैं, आदतें बदलने ही तो तशरीफ़ लाए हैं। नबी पाक ने सफाई सुथराई कर दी, सारी नापाक चीज़ों को निकाल दिया। तो रूटीन देखें कि रमज़ान में तकवे के हुसूल के लिए अपनी आदात को तब्दील करना है, और इसके लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। वो जो कहते हैं बच्चे सवेरे नहीं उठते, उन वो रूटीन बना लें, ये मौका आया है, अभी से इरादा कर लें
कि जनाब हमने इस तरतीब से अपने घर को, माहौल को, बच्चों को इस तरतीब से हमने मुरतब करना है चीज़ों को, या आप इरादा करें अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारक की जो ख़ास फजीलत है, उस ख़ास फजीलत को रमज़ान आने से पहले जहन में बिठा लें और रमज़ानुल मुबारक पूरे का पूरा उस ज़ौक से गुजारें कि जहन में बात मौजूद हो जहन में कि दरअसल रमज़ान क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक अजीमुल मर्तबत महीना साया फिकन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नियत से रमज़ान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इस महीने में एक फ़र्ज अदा करेगा अल्लाह 70 फ़र्जों के बराबर अजर अता करेगा। अपने जहन में एक बात बिठाई जाए, जहन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक जहन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए, फिर वो तरतीब बना ली जाए, कारोबारी नहीं रूहानी तरतीब, कारोबारी नहीं यानी नए से नए स्टॉल ना तैयार किए जाएं, महंगाई कैसे करनी है और किस तरह करके किन चीज़ों की आजकल मांग होगी, किस तरतीब से सौदा पहले ही ख़रीदना है, महंगा कैसे करना है, अल्लाह माफ़ करे मसनूई किल्लत कैसे पैदा करनी है, कमाई कैसे करनी है। रमज़ान के अंदर जनाब लोग सारी तरतीब लगा के सारी, मेरे एक दोस्त हैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर भी अपनी रूटीन बदलते हैं और मैदे वाली सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो माहौल ना पैदा करें कि हर चीज़ दुनियादारी हो जाए, हर चीज़ दुनियादारी नहीं, हर चीज़ को एक नया रूप दे दिया जाए और नया से नया माल कमाने का सलीका बनाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रमज़ान तो इसलिए था ना कि उसमें कम खाना है, थोड़ा खाना है, लेकिन अगर बंदा कहे कि मैंने सुबह का चूँकि खाया नहीं लिहाजा अब शाम को इतना खाना है कि हफ्ते से पहले पहले डॉक्टर के पास भी जाना है, मैंने वो सारा पूरी कर लिया रूटीन, तो फिर वो मकसद को नहीं ना समझा, फिर उसने उस खूबसूरती को नहीं पाया जो खूबसूरती उसको दीन देना चाहता था। एक तो रमज़ान की फजीलत को समझना है, और फिर जब हम रोज़ादार हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफहूम को खोल के बयान किया, फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, गोया गीबत नहीं छोड़ी, बदी नहीं छोड़ी, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, तकवा इख्तियार करना तो रोज़े का मकसद था। और अगर उसने वो बात को समझा ही नहीं, उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद हो जाना ही ज़रूरी नहीं, उसको फिर अपने मनसब का लिहाज करना भी ज़रूरी है कि मैं उस्ताद हूँ। वालिद का सिर्फ वालिद हो जाना ही कमाल नहीं, उसको फिर उस मनसब के तकाजों को भी समझना चाहिए कि अब मैं एक बाप हूँ, अब मैं रूटीन में वो आज़ाद नहीं हूँ कि जहाँ मेरा जी चाहेगा जाऊँगा, जहाँ मेरी तबीयत चाहेगी मैं खाऊँगा, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वो काम करूँगा। अब आप सरपरस्त हैं, सरबरा हैं, इंसान देखे ना, एक शख्स है वो आलिम है, अब इल्म पढ़ लेना सिर्फ कमाल नहीं, वो अपने मनसब को भी तो समझे ना, उस मनसब के वकार को, उसके लिहाज को भी तो समझे ना। एक आदमी अगर उम्र रसीदा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, और वो चाहता है कि मेरी बुजुर्गी की वजह से मेरा इकराम किया जाए, तो उसे अपने मनसब का भी लिहाज करना पड़ेगा। उसको हजरत साद ही फरमाया करते थे, मैंने 18-18 साल के बुजुर्ग देखे और मैंने 75-75 साल के बच्चे देखे,
हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे उम्र हो गई लेकिन अपने मनसब का ख्याल न किया, आदात बच्चों वाली रही। और फरमाते मैंने ऐसे लोग देखे जिनको शुरू वक्त में ही अल्लाह वालों की सोबत नसीब आई, तो वो जो बुजुर्गी है वो फिर उम्र की वजह से नहीं मिली, वो अल्लाह ने इल्म और अमल की वजह से अता फरमा दी। तो अपने मनसब का लिहाज करना कि मेरा ये मनसब है। इसी तरह जब हमने रोजा रखा हुआ होगा ना, तो फिर हमने इस मनसब का भी लिहाज करना है कि मैं रोजेदार हूं। फिर खाली भूखे प्यासा नहीं रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोजा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जजा दूंगा रोजे की, मैं खुद जजा दूंगा रोजे की। और हुजूर फरमाते हैं रोजा ढाल है, जो शख्स रोजादार हो वो बेहूदगी से, फोहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे, तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ओहो इतनी बड़ी बात। हुजूर फरमाने लगे, ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं, करीम महबूब फरमाने लगे मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। हुजूर फरमाते रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक्त वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा। और रब की बारगाह में सिर्फ रोजादार के मुंह से, अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल होना चाहिए कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये दो लफ्ज है ना, वो सूफिया है ना, अल्लाह के नेक बंदे जो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, कभी मालिक एक दफा कभी तेरा जलवा मिले, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और जो सारी जिंदगी कहते रहे कि हम तो उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, कि देखो उन्हें इनाम मिलने लगा। जो उसकी राह के सवाली थे, जो उसके रास्ते के मुसाफिर थे, जो उसे पाना चाहते थे, जो उसकी दीद करना चाहते थे, जो उसे मिलना चाहते थे, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजादार को दो खुशियां मिलेंगी। एक खुशी उस वक्त मिलती है जब वो इफ्तार करता है, और फरमाया एक खुशी उस वक्त मिलेगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, जब वो उससे मिलेगा तो उस वक्त रोजादार को खुशी होगी। मेरे दोस्तों खुशी तो जो होगी सो होगी, लेकिन ये लफ्ज ही बड़े हसीन नहीं कि रोजादार की रब से मुलाकात होगी? ये ही लफ्ज बड़े बाकमाल नहीं? एक रवायत में तो ये है ना कि रोजा मेरे लिए है मैं उसकी जजा दूंगा, और एक रवायत में ये है कि रोजा मेरे लिए है और रब फरमाता है मैं खुद रोजे की जजा हूं। यानी बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा, रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत के सूफिया ने ना कुछ चीजों को बड़ा खोला है। आरफ़ रूमी कहते हैं कि एक दिन ना महमूद गजनवी ने खजानों के दरवाजे खोल दिए और फरमाया भाई मैंने आज हर चीज़ खोल दी है, जो जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगी। लोग दौड़े कोई सोने की तरफ, कोई चांदी की तरफ, कोई जायदादों की तरफ, कोई खजाने की कुंजियों की तरफ, कोई बड़े बेहतरीन घोड़े और ऊँटों की तरफ, लोग दौड़ गए, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का, सब भाग गए। अय्याज बैठा है, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़ अय्याज़ में, वो लज्जतें कहाँ।
अय्याज चुप करके बैठा है। फिर महमूद ने अय्याज की तरफ मुखातब करके कहा, अय्याज उठना नहीं, आज लूट सेल लग गई है, जो जिस चीज पे हाथ रखेगा उसी की। अय्याज कहने लगा, बात पक्की है ना? तो महमूद खुश थे, मूड बड़ा अच्छा था, कहा बिल्कुल पक्की है। तो अय्याज कहने लगे, चलो ठीक है। अय्याज उठे पीछे से जाके ना, तो महमूद के कंधे पे हाथ रख दिया। महमूद के कंधे पे हाथ रखा, महमूद कहने लगे, ये क्या बात का, आपसे मैंने पूछा था बात पक्की है, जो जिस पे हाथ रखेगा उसी का ना। तो थोड़ी देर पहले मुस्कुराते चेहरों में आंसू आ गए, अय्याज भी रोए तो महमूद भी रोए। कहा बादशाह पक्का रहना, वो जिनको खजाने चाहिए थे वो दौड़ गए, मुझे तो तू चाहिए। लंघ कई महीने ते बरस गए, ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए, तेरी तू मिलेगा। तो फिर कहा महमूद ने, उसने कहा मैं वादा कर चुका था, बस ठीक है, बाकियों के खजाने और मैं तेरा, तय हो गई। फरमाया बाकी नेकियों पर सवाब मिलेगा और रोजा रखने वाले को रब रहमान मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। देखो ना, वो खास इंसान को कैफियत हासिल होती है रोजे में, रब के होने का यकीन, वो जो सूफिया कहते हैं ना मुराकबा करो, वो नसीब होता है। यानी किसी को क्या पता है इसका रोजा है कि नहीं, अकेला है ना घर में, फ्रीजर भरा हुआ है, नहीं ना खाता, क्यों? इसे पता है मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये तसव्वुर तौहीद पक्का हो जाता है रमजान। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की भी खास रहमत और कोई खास ही एजाज। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के कई दरवाजे हैं, एक बाबू रैयान है, उससे सिर्फ रोजादार गुजरेंगे। आवाज होगा रोजे वाले आ जाओ, वो आ जाएंगे। फरमाए इस खास दरवाजे से गुजरो, जब गुजर जाएंगे तो फरमाए बंद कर दो भाई, और कोई नहीं गुजरेगा यहाँ से, दरवाजा ही मखसूस है, इनका एजाज ही जरा ज्यादा है। तो मेरे अजीज रमजान शरीफ के अंदर वो मनसब का बस ख्याल रखें कि मैं रोजादार हूं, इस एहतियात के साथ। और दूसरी जो रमजान की चंद इबादात है ना, सबसे पहली तो मैं अर्ज करूंगा तरावी के हवाले से, ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिश्कात में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा, मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब? इसने खड़े होके इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज ये खास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमज़ान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठे आप 2 घंटे, बैठे 3 घंटे, बैठे मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को ही चले जाते हैं उस इलाके में, खड़े हैं पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े हैं। कुछ जेन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को ज़रा ज़ौक से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन ज़रा जम के जहन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें। जिस इमाम साहब के पीछे तरावीश शुरू करें, कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें, रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है। एक दिन यहाँ गए, 2 दिन वहाँ गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाज़ों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शरीफ सुनना शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पे सुने और थोड़ा जहन बनाएं। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त, थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुज़ुर्ग आदमी हैं,
इतना कम खाना कैसे निज़ाम चलेगा? तो फरमाते थे मैं एक चपाती और आधी चपाती खा लूँगा लेकिन तरावी के बाद, अब अगर ज़्यादा खाना खाऊँगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का, ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पर और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है। हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए, तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक पैदा किया जाए तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने की। एक तो तरावी, रोज़ा तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी है आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ हाँ, आप मत समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियाँ रखी हैं, सहरी खाना इबादत है। आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे, ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब तरहीम में हदीस है, अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं सहरी खाने वालों पर। तो खूब तवज्जो से, ज़ौक से, शौक से। और फिर जो इफ्तार का मामला है, हुजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो 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 दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई ज़रा उरूज पे चली गई है, मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते हैं। थोड़ा सा ना इफ्तारियाँ मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा, वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे माबू फरमाते जिसने रब की रज़ा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता करो। और एक हदीस तो आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, अलमुजमुल कबीर में मौजूद है, नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं जिसने हलाल खाने और हलाल पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार कराया ना, ज़रा देखना गरीबों के घरों को झांकना, ज़रा अपने अपने अजीज़ों में एक नज़र दौड़ा लेना, ज़रा रमज़ान की नियत करके रमज़ान से पहले ही गुरबा तक राशन पहुंचा देना, उनकी फ़िक्र दूर हो जाए, वो पहली शाम ही अपने बच्चों के साथ आसूदा हाल होके बैठे, देख लेना, ये ना हो कि एक भाई खोल के खा रहा हो और दूसरे के बच्चे मुंतज़िर हों कि आज सहर इफ्तार में क्या करना है, अपने गली मोहल्ले में देख लेना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं जानता जो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नज़र डाल लेना, अलमुजमुल कबीर में हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हलाल पानी से, हलाल रोटी से
किसी का रोजा इफ्तार कराया तो फरमाए फरिश्ते उस बंदे के लिए रमजान के दिनों में, रमजान की घड़ियों में दुआ करते हैं और जनाबे जिब्रील अमीन उसके लिए शबे कदर की रात दुआ करते हैं। हजरत जिब्रील शबे कदर में दुआ करेंगे खास रात, या अल्लाह इस बंदे पर फजल फरमा, इसने तो गरीब आदमी को इफ्तार करा, ये एक इबादत है, इस इबादत का ख्याल करें। फिर इतिकाफ आएगा, रमजान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ। इस्लाम में रहमानियत नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे कट के अपने रब के साथ जुड़ जाना, कुछ रात की इबादतें, कुछ तन्हाई के अज़कार, कुछ दुरूद व सलाम का ज़ौक, ये इन सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती इतिकाफ भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम हमेशा इतिकाफ करते, और हज़रत अता बिन रिबा रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं मौतकीफ तो उस आदमी की तरह है जैसे किसी बंदे को किसी के साथ कोई काम पड़ जाए ना, तो वो जाके उसके दरवाजे पर बैठ जाता है कि जब तक मेरा काम होगा नहीं मैं जाऊँगा नहीं। फरमाते हैं ये इतिकाफ वाला भी आके रब करीम के घर बैठ गया है कि जब तक तू माफ़ नहीं करेगा मैं जाऊँगा नहीं, जब तक तू बख्शिश नहीं करेगा मैं इस दरवाजे से हटूँगा नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक अलैहि सलाम के रोज़े अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इशारा करके कहते थे ज़्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहि सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहि सलातो सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा, और फरमाया उनकी मुसाफत ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा होगी। ये 3 खंदकें इतनी बड़ी जिनकी चौड़ाई ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा होगी, एक दिन इतकाफ कर ले तो अल्लाह उस बंदे को दोजख से इतना दूर फरमा देगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा टाइम मिलता है छुट्टियां गुजारने के लिए, कभी किसी सियाहती मकाम पर, कभी किसी सियाहती मकाम पर, ख़र्चा भी मिल जाता है, काम भी हो जाता है, सारे सिलसिले बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर लोग जाके टाइम गुजारते हैं, तो ऐसा ना हो कि 10 दिन अल्लाह के घर में भी गुजारे जाएँ। उलमा ने लिखा है कि कोशिश तो करें हर साल एतिकाफ़ हो, ना हो सके तो चलो चंद सालों के बाद हो जाए। और फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो इस सुन्नत को ज़रूर अदा करना चाहिए, कोई बंदा ऐसा ना हो जो महरूम रह जाए ज़िंदगी में एक बार सही, पर एतिकाफ़ के साथ अपने आप को व्यवस्था ज़रूर करे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर आखिरी अशरा शबे कदर की तलाश का अशरा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में ख़ुद भी इबादत करते थे और घर वालों को भी जगाया करते थे, और अपने अहले खाना को ताकीद फरमाते थे कि उठो उठो आगे बढ़ो, ये आराम करने के दिन नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो आखिरी 10 दिन ज़्यादा इबादत के थे, शबे कदर की तलाश के थे, वो आखिरी 10 दिन सारे बाजार में गुजर जाते हैं, कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, जूते ख़रीदे जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, दोबारा लिए जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ईदियाँ बट रही हैं, तो ये सारे काम जो आखिरी अशरे में करने हैं, जो ज़्यादा इबादत के दिन थे, वो सारे काम तो रमज़ान से भी पहले कर लेने चाहिए। कपड़े रमज़ान से पहले ख़रीदे जाएँ, पहले सिलवा लिए जाएँ, जूते पहले ले लिए जाएँ, ज़रूरत के काम पहले कर लिए जाएँ, जहाँ आपको जो बाँटना है वो रमज़ान से पहले करें। वो मुफ्त की अपने दिल को मुतमिन करना कि अब मेरे पास ये बड़े, मैं खैर का काम करने निकला हुआ हूँ, मैं ईदी बांटने जा रहा हूँ, ये पहले बांटने थे। ये अजीब बात है कि जो ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने का टाइम था वो सारा हमने ज़ाया कर दिया, वो इधर उधर बाज़ारों की नज़र हो गया, मेल मिलाप की नज़र हो गया। तो अगर चीज़ों को मुरतब किया जाए, मैं तो दोस्तों से कहा करता हूँ ज़कात का हिसाब, सदक़ात का हिसाब, सदक़ात फ़ितर का हिसाब, जितने भी रूटीन के काम हैं उसको कोशिश करें रमज़ान शरीफ से पहले आप तरतीब दें, आप उन चीज़ों को पहले से मुरतब करें ताकि वो बेहतरीन हो जाएं। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जहां नियत करो तो अजर शुरू हो जाता है, आप रमज़ान की नियत से जो आज खर्च करेंगे उसको अल्लाह ताला रमज़ान के सवाब के बराबर ही अजर अता फरमाएगा।
लेकिन वो हम ना कुछ लोग बड़ा इंतजार, एक साहब मुझसे कहने लगे जी मैंने सुना है सदका फितर आखिरी अशरे में ही देना चाहिए। मैंने कहा आपका प्रोग्राम तब देने का, इसलिए आपने ये गाढ़ा करके सुन लिया, ज़रा इसको आपने ज़्यादा गौर से सुन लिया है। आप जब ज़रूरत महसूस करें, जब आप समझें कि किसी को ज़रूरत है, ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ काम ना आई तो फिर कब जाके काम आए। तो मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि पहले से चीज़ों को मुरतब करें, मामलात को पहले से तय करें। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो वक्त पर मनसूबाबंदी करते हैं, जो चीज़ों को टाइम पर मुरतब करते हैं। वो टाइम जो हमारा बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का है, इबादत का है, अगर वो सारा गाड़ियों की नज़र हो जाएगा, असफार की नज़र हो जाएगा, तो हमने हासिल क्या किया। एक बात आखिर में बड़े दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहूँगा, ज़ाती अखराजात को कुछ कम किया जाए। ज़ाती अखराजात ना कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, उनके अपने लिबास के, कपड़ों के, और वो अखराज मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इस्लाम ज़िबाइश की इजाज़त देता है, नुमाइश की इजाज़त नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीसियों तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते। ईद की नमाज़ बड़ी सो गए, वो भाई आपका फ़ोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी। तो भाई वो जो आपने डेढ़ महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का, रात को ही पहनना था, वो पुराना जोड़ा पहन लेते, ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई थी। इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया और दिन सारा सो के गुजार दिया। ज़ाती अखराजात कम करें, पता क्या है फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। इन्हीं एक जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहाँ लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई, और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाजमात ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तकल्लुफात ज़्यादा हैं। इस रमज़ान में महंगाई का जो ज़ोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसम पुरसी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियां बांटने का ज़रिया बनेंगे, असबाब दें, और वैसे भी ज़िंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। ज़मीन पर चलें, आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी बेहतर हो गई है, आसानी वाली हो गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए।